रुको रुको दोस्तों, ये है सफेद हस्की जिनको कहते हैं वोल्फ के सबसे नजदीक वाली ब्रीड। और ये भाई साहब हैं सुखचैन सिंह जी मलेरकोटला से। ये अब आपकी एक और कहानी नहीं बताएंगे कि इन्होंने 3 साल में बच्चे कहाँ पर दिए, अडॉप्ट कहाँ पर करवाए। भैया ये बच्चे कहाँ पर जाते रहे 3 साल में? बच्चे ज्यादातर तो ब्रोकर जगते जी, ब्रोकर ले जाता है। हाँ जी हाँ जी। और वो जो चलो प्राइस हमारे से लेते हैं, जो मेरे को बाद में पता चला वो 4-4 गुना ज्यादा, क्योंकि उस बंदे ने ऐड डाली थी जी, ऐड डाली थी। तो मैंने क्या किया अभी, चलो प्राइस पूछ लेते हैं। तो जब मैंने जितने का दिया जी, उससे 4 गुना प्राइस मेरे को बताया बंदे ने। देखो ब्लीडिंग हम कर रहे हैं, फायदा वो ले रहे हैं, तो हम तो पूरा दिन इनकी सांभ संभाल करना है, एसी लगाना है, देखभाल करनी है, लेकिन असली का फायदा तो ब्रोकर ले जाते हैं ज्यादातर इस काम में। दोस्तों ये मैं उन यूट्यूबरों के नाम नहीं लूंगा जिन यूट्यूबरों ने इनसे 100 रुपए की चीज उठा के 1000-1000 रुपए की बेची आगे। मतलब आप समझ सकते हो, किसान का बेटा यहाँ पर पूरे दिन पोटी उठाता रहता है और मजा ले जाता ब्रोकर, यही होगा। हाँ जी हाँ जी। और प्लेटफॉर्म नहीं है, मेन है इनको कोई जानता ही नहीं है अभी तक। मतलब अभी नए तो है नहीं, 3 साल हो गए इनको। पर इन्होंने ठगबाजी नहीं की, कभी इधर उधर से बच्चा उठा के बेचा? ना जी, ना जी। कभी नहीं बेचा। अपने पास घर में बच्चा होगा तो हम बोलते भाई है, अगर नहीं है तो नहीं है। जो भी मतलब बंदा आएगा तो अपने घर से उसको फीमेल भी दिखाएंगे, मेल भी दिखाएंगे, भी ये मेल है भाई। तो फिर उसके बाद में बच्चा है उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन करके उसके बाद में देंगे। तो कितना खाना क्या खिलाते हो अपने डॉग्स? खाना जी चिकन रोटी साथ में फीड। फीड भी देते हो पूरा दिन? तो मतलब बच्चे हो ना हो फीड देने की। और इनके चैनल में मैंने देखा इतनी फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं है। मैंने सोचा कि 15-10-12 फीमेल हैं, सारी प्रेग्नेंट होंगी, वैसा लालच भी नहीं है। एक फीमेल बस, एक महीने में एक फीमेल बच्चे भी। हाँ जहाँ 3-3 महीने बच्चे भी नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। तो जब भी आती है तो उसमें मिस भी कर जाती है, खाली भी चली जाती है। हाँ जी हाँ, पूरा नहीं है अभी। 10 मतलब फीमेल 10 भरा दी तो 10 की 10 बच्चा देगी ना, 10 में से 5 बच्चा देगी, 6 देगी, कभी 4 देगी। तो ये ऐसे चलता रहता है जी काम। तो एक चीज मैं बताऊं, अगर नए बंदे को ये काम करना हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नए बंदे को जी पहले जानकारी लेनी चाहिए, जो पुराना ब्रीडर है कोई साथ में, तो उससे जानकारी लेके पूरी जानकारी के अभाव में कोई भी काम कदम उठाना चाहिए बंदे को। आधी अधूरी जानकारी बंदे को देखो अभी भी परेशान करेगी और बाद में भी करेगी। इस चीज का बंदे को सोचना चाहिए, अगर कोई नया काम कर रहा है बंदा तो उसको पहले जान लेना चाहिए क्या काम करना है मैंने। मतलब उसको खाना क्या देना है, डॉक्टर क्या, पहले उसको कहीं नौकरी करनी चाहिए। हाँ नहीं, नौकरी भी यहाँ जी कहीं से कोई बंदा है उसको मेंटोरशिप, मतलब हाँ किसी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाना चाहिए, मेन बात यही है जी, नहीं तो लूटने वाले दुनिया बैठी है। बहुत बंदे ऐसे हैं जी जो आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, तो ये व्हाइट हस्की ये भी शौक कहाँ से लग गया? हाँ जी हाँ जी, ये रेयर ब्रीड है जी, इधर हमारे नहीं मिलती ज्यादातर। अच्छा, मैंने बड़े कम देखे हैं व्हाइट हस्की। कम है जी। तो ये कर्नाटका से आए? हाँ जी हाँ, कर्नाटका से लेके आया था। अच्छा, ये भी ये स्टड के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, स्टड के लिए। अच्छा, इनकी फीमेलें भी होंगी आपके हाँ पास? हाँ जी हाँ, ये बच्चे अभी घर में तैयार किए हैं मैंने। ठीक है, ये बच्चे अपने ही तैयार किए? अपने तैयार किए, बच्चे लेके आया था मैं। अच्छा, बच्चे लेकर आए थे और ये अपने घर पूरी ब्लीडिंग जो मैं कर रहा हूं, ये पहले बच्चे लेते हैं, फिर उसको देखो 1.5 साल पालते हैं, 2 साल के पालते हैं, फिर उसके बाद में जब अडल्ट हो जाता है फिर उसकी ब्रीडिंग करते हैं जी। देखिए किसान एक बड़ा मेहनत वाला इंसान होता है, पूरा दिन जिसने 4 बजे उठना है, रात को 11 बजे तक अपने खेतों में काम करते रहना, उसके बीच में ये 2 भाई हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। तो एक भाई पूरा डॉग संभाल रहा है, एक खेती संभाल रहा है, मैं पूरा दिन डॉग संभालता हूँ और दूसरे भाई खेती संभाल रहा है। तो दोस्तों इनका नंबर नीचे होगा, मैं इन ब्रीडरों को प्रमोट कर रहा हूँ, आपको भी ये चाहिए इनको प्रमोट करें। अगर किसी दोस्त ने या आपने कोई डॉग्स के बारे में इंक्वायरी करनी है तो प्लीज़ इनको कॉल करो। और ये यूट्यूबर जो इनसे बच्चे उठा के लेकर जाते थे, उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनका तो धंधा है ये, वो इधर उधर से ही बच्चे उठाते हैं। ब्रीडिंग आसान है या ट्रेडिंग आसान है वैसे? देखो जी ट्रेडिंग आसान है, इधर से उठाया, 2 झूठ बोला, उधर बेच दिया। अभी जो ब्रीडिंग है हमारे को जो बच्चा बेचते हैं उसके बारे में भी आदमी को गारंटी देनी पड़ी, खाना खा रहा है सही, वैक्सीनेशन हो रखी है, क्या खाना खा रहा है। ज़्यादातर तो बच्चे उठा के बच्चा बेच देते हैं और जो आगे वाला है उसको ये नहीं पता ये खाना क्या खा रहा है ये, तो उसके चक्कर में वो गलत खाना दे देते हैं, तो बंदा जो भी पैसे लगाता है उसके डूब जाते हैं जाती है। अगर आपने फीड चेंज कर दी बच्चे की तो बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, जो खाना उसको पहले ब्रीडर खिला रहा है वही खाना उसको खिलाना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है। बच्चा लो, कोई भी लो, लेकिन ब्रीडर से लो, हम तो ये बोलते हैं जाके। ब्रोकरों वाला सिस्टम खत्म कर दो। और ये यूट्यूबर जो बच्चे इधर उधर से उठा के बेचते हैं और अपने आप को ब्रीडर कहते हैं, ब्रीडर एक बड़ा मेहनत वाला काम है ना, ऐसे अपने आप को ब्रीडर कहें नहीं तो मैं एक्सपोज करता रहूंगा। अगर वो अपने आप को ट्रेडर कहेंगे, ब्रोकर कहेंगे, हम खुश होंगे।
क्योंकि ये वो भी रिस्पेक्ट वाला काम है अगर आप सही तरह से 500-700 में काम करते हो। ये नहीं है कि लूट ही मचा रखी है, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की दे दो और अपने आप को ब्रीडर कहो। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। भैया का नंबर नीचे है, मलेरकोटला से हैं पंजाब के, और ये ऐसे किसान के डॉग्स आपको दिखा रहा हूँ जो आपको अफोर्ड प्राइस में आपके साथ डील कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।